जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में हम आपके साथ चैप्टर नंबर 9 पेमेंट ऑफ टैक्स को स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने आपके साथ सेक्शन 49 को डिस्कस किया था और अब हमें इसके रूल को डिस्कस करना है। अब तक हमने इसमें एक ही क्लास दी है, जो अभी आपकी रीसेंट क्लास हुई थी सेक्शन 49, जिसको हमने कंप्लीट किया था, और आज हम आपके साथ अगेन रूल को स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें, इसमें हमने कहा था आपको सेक्शन पढ़ने दो, सेक्शन 49 और सेक्शन 50, और रूल पढ़ना 85 to 88, और फॉर्म पढ़ने 6 से मैंने कटवा के से 7 फॉर्म कर दिए। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, जब वो उसे जीएसटी मिलता है तो उसी वक्त उसको 3 लेजर बन जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। जब भी वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करता है, उसी वक्त उसका ये रजिस्ट्रेशन, ये 3 लेजर बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर मैंने कल भी बताया था, जब आपकी कोई भी लायबिलिटी हो, चाहे वो रिटर्न से बनती हो या फिर आपने लॉ का वायलेशन कराओ, और तब आपके ऊपर लायबिलिटी आती है, वो सारी लायबिलिटी जाती है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करूं तो इस टॉपिक की आवश्यकता कब पड़ती है? इस टॉपिक की आवश्यकता उस समय पड़ती है, या इसमें बैलेंस उस समय आता है जब आपकी सेल थी 1 लाख की, परचेस थी 2 लाख की। तो जो एक लाख आपकी एक्स्ट्रा परचेस थी, उस पर जो आपका आईटीसी पेंडिंग था, ये उसकी बात करता है। तीसरा आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो हमारी बात करता था कि हम जितनी भी पेमेंट करते, गुड मॉर्निंग, आरटीजीएस, एनएफटी या हम किसी भी चीज की पेमेंट करते हैं, वो हमारी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ये 3 तरह के लेजर होते हैं जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इनकी एग्जांपल भी डिस्कस हो गई थी। अब आज हमें जो सेक्शन स्टार्ट करना है, इसके अंदर हम आपके साथ आज रूल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? हम रूल स्टार्ट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रूल बताएं। तो हम यहाँ से रूल को ऑन कर रहे हैं। रूल जो हम इसमें करेंगे, सबसे पहला रूल आएगा 85, ये हमें स्टार्ट करना है। पेमेंट ऑफ टैक्स रूल नंबर 85, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और कोशिश करेंगे आपको बताने। सर, लायबिलिटी मतलब हमारे ऊपर देनदारी जो हमें गवर्नमेंट को देनी है, हमारे ऊपर देनदारी जो गवर्नमेंट को देनी है, जिसमें पहला आता है कि द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाई अंडर सबसेक्शन 49, सबसेक्शन 7 और सेक्शन 49। जब तुमने सेक्शन 49 पढ़ा था तो उसके अंदर सेक्शन नंबर 7 मैंने बताया था, अगर तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी बनती है, चाहे तुम अपनी रिटर्न भर के लायबिलिटी बनाते हो या तुम लोग गवर्नमेंट का वायलेशन करके लायबिलिटी बनाते हो, वो सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 के थ्रू आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मुझे उस लायबिलिटी की पेमेंट करनी है तो मैं किस तरीके से करूंगा? तो यहाँ लिखा है शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01। उसमें आप किस में मेंटेन करोगे? फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01। मतलब अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी है, अगर आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 बनना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज बोलूं, ये पेमेंट की बात कर रहा है और इसने शॉर्ट फॉर्म में पेमेंट का नाम चेंज कर दिया। बेसिकली अगर आपको ये फॉर्म याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो ज्यादा दिक्कत नहीं। अगर तुम कहीं डिपार्टमेंट में जाके बोलो हमें पीएमटी 01 बनना है, तो चौंक जाएंगे बोलो कि किसकी बात कर रहे हैं। तो आप सिंपल कह सकते हैं पेमेंट की। दूसरा, फॉर ईच पर्सन
लायबल टू पे टैक्स, चाहे वो टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, लेट फीस या फिर एनी अदर अमाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल, एंड ऑल अमाउंट पेबल बाय हिम शैल बी डेबिटेड टू सेट रजिस्टर। क्लियर है? वो कह रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के क्या कर देगा, वो डेबिट कर देगा। क्या कर देगा? वो डेबिट। आपको पता है जब मेरा ये अकाउंट्स होगा, आप ध्यान देखना, मैंने यहां पर लिखा लायबिलिटी रजिस्टर, क्या रख दिया, लायबिलिटी रजिस्टर बनाया। जितनी भी मेरी लायबिलिटी होगी, जितनी भी लायबिलिटी होगी वो हमेशा मेरी क्या होती है, डेबिट होती है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को देनी है। ये लायबिलिटी क्या होगी, डेबिट होगी। जितनी लायबिलिटी बनेगी सब क्या होगी, डेबिट होगी। क्या होगी? डेबिट होगी। क्लियर है? अब जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? तो याद रखना आपकी जो भी लायबिलिटी बनेगी वो हमेशा डेबिट होगी। गवर्नमेंट हमारे लिए डेबिट, गवर्नमेंट के लिए क्रेडिट, सॉरी, गवर्नमेंट के लिए डेबिट, हमारे लिए क्रेडिट, क्योंकि हमें देना है और गवर्नमेंट को हमसे लेना है। दूसरा, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमसे कहता है द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ऑफ द पर्सन शैल बी डेबिटेड। कब कब तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आएगी? अभी तो हमने सीखा कि अगर हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी बनेगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड आ जाएगी। लेकिन सर कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे मेरी लाइबिलिटी बनती है? जिसमें सबसे पहला है आपका, और यहां एक वर्ड ध्यान देना, शैल बी डेबिटेड। कंपलसरी क्या करेंगे, डेबिट, अगर तुम इन चीजों का वायलेशन करोगे। जैसे द अमाउंट पेबल टू वार्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल एज पर द रिटर्न फर्निश्ड बाय सेट। अगर तुम रिटर्न भरते हो, रिटर्न में तुम्हारा कोई टैक्स है, कोई इंटरेस्ट है, कोई लेट फीस है या फिर एनी अदर अमाउंट पेबल एज पर द रिटर्न फर्निश्ड बाय सेट पर्सन। इसका मतलब जब तुम रिटर्न भरोगे उस समय जो भी तुम्हारी लाइबिलिटी होगी सब इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में आ जाएंगे। तो कॉमन सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी पॉइंट बात करता है द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट पेबल एज डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर इन प्रोसेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट और एज सर्टेन बाय द सेट पर्सन। ये तो आपके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है तुम लोग का वायलेशन करते हो तो भी वो आपकी लाइबिलिटी को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट के पास प्रूफ है कि हम गवर्नमेंट के साथ जो कर रहे हैं वो गलत है तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी को बढ़ा सकता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात आता है सी पॉइंट, कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट पेबल एज रिजल्ट ऑफ मिस मैच अंडर सेक्शन 42, सेक्शन 43 और सेक्शन 50। आपको पता होगा सेक्शन 42 कहता है मिसमैच के बारे में। मान लो तुमने ए से माल खरीदा, तुमने बी से माल खरीदा, तुमने किससे माल खरीदा है, बी से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, तुमने बी से खरा, तुमने 18,000 रुपए का आईटीसी ले लिया। जब रिटर्न भरने की बात आई तो मिस्टर बी ने अपनी रिटर्न नहीं भरी, तुमने उसका आईटीसी लेकर बैठ गए, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी सामने वाली पार्टी ने रिटर्न नहीं भरी और तुमने उसका आईटीसी ले लिया तो हम सेक्शन 42 के हिसाब से जितना तुमने आईटीसी लिया होगा उस पर सेक्शन 50 के बिहाफ से आप पर 24% इंटरेस्ट लगा देंगे। वैसे तो सभी जगह 18% लगता है, लेकिन अगर मिसमैच आता है किसका, सेक्शन 42 और सेक्शन 43 का, तो आपके ऊपर मिसमैच के बिहाफ से भी टैक्स इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्लियर सर? सेक्शन 43 क्या कहता है, कहता है अगर मिसमैच है डेबिट नोट का, अगर मिसमैच किसका है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, तो सेक्शन किसकी बात करता है, 43 बात करता है। क्लियर है? उस पर भी आपका कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, 24% लगेगा। क्लियर है?
आप चाहो तो इसे 18% के बिहाफ से भी बोल सकते हो कि पहले वाले केस में 18% और डेबिट और क्रेडिट नोट के केस में कितना 24%। जनरली हम 18% को ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो ये तीन कारण इससे मेरी लाइबिलिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। चौथा, डी पॉइंट कहता है एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट में एक्रू फ्रॉम द टाइम टू टाइम। हो सकता है गवर्नमेंट तुमसे इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या ले, इंटरेस्ट ले। ये चार कारण थे जिससे मेरा अकाउंट लेजर क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा, मेरा लायबिलिटी रजिस्टर हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जिसमें पहला बताया कि अगर आपका कोई टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस बनती है किसके, रिटर्न के अकॉर्डिंग। दूसरा था अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है मैंने लॉ का वायलेशन करा तब भी वो मेरी लायबिलिटी को बढ़ा सकता है, और अगर सेक्शन 42 और सेक्शन 43 के हिसाब से कोई भी मिसमैच आएगा तब भी मेरी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को डेबिट कर दिया जाएगा। और चौथा कारण था हो सकता है गवर्नमेंट इंटरेस्ट के ऊपर भी हमसे क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले। क्या ले ले, हमसे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले ले। क्लियर है? अब इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 जो बताता है पेमेंट ऑफ एवरी लाइबिलिटी बाय रजिस्टर्ड पर्सन एज पर हिज रिटर्न शैल बी मेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन एज पर रूल 86 एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रूल 87 द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी शैल बी क्रेडिट अकॉर्डिंगली। क्लियर है? अब मान लो मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, क्या है मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी है, तो मैंने यहां पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी है मेरे ऊपर। अगर लाइबिलिटीज आएगी तो सब किस साइड आएगी, डेबिट साइड। किस साइड आएगी? अब मुझे लाइबिलिटी को खत्म करना है, तो लाइबिलिटी को खत्म करने के दो तरीके। पहला तरीका, अगर मेरे पास कोई आईटीसी है जो किस में जाता है, मेरे क्रेडिट लेजर में जाता है, अगर वो मेरे पास है तो ठीक है, और अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं किससे कर सकता हूँ, कैश लेजर से। किससे कर सकता हूँ, मेरे पास तीन लेजर होते हैं ना, मेरी सारी लाइबिलिटी डेबिट होती है ना, मेरी सारी लाइबिलिटी डेबिट होती है ना। वैसे ही अगर मुझे अपनी लाइबिलिटी को खत्म करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रेडिट लेजर से खत्म कर सकता हूँ या फिर मैं अपने कैश लेजर से खत्म कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन है कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो मेरा क्रेडिट लेजर और मेरा कैश लेजर हमेशा क्रेडिट होगा। लेकिन सर मैं अपना क्रेडिट लेजर भी तो बनाता हूँ। बिल्कुल बनाता हूँ। जब तुम्हारे क्रेडिट लेजर में पैसा आएगा तो हमेशा वो क्रेडिट होता है, और जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक पैसा जाएगा तो क्या होगा, वो हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा, हमेशा डेबिट। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई चीज डेबिट होती है तो सामने वाले के यहाँ क्या होगी, क्रेडिट। कॉमन सी बात है, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज मेरे पास डेबिट है तो वो आपके पास क्रेडिट होगी, अगर आपके पास क्रेडिट है तो मेरे पास क्या होगी, वो डेबिट। ये प्रिंसिपल है। तो वही बात आपको याद रखनी है कि अगर मुझे अपनी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी को कम करना है तो मैं क्रेडिट लेजर को हमेशा क्रेडिट, अगर बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो फिर मैं कैश लेजर से बैलेंस को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, बैलेंस को कम कर दूंगा। तो ये तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि अगर तुम्हें अपनी लाइबिलिटी कम करनी है तो आप या तो क्रेडिट लेजर से कम करोगे या सेकंड थिंग आप अपने कैश लेजर से कम करोगे। क्लियर है? सर ये जो बातें बताई थी इसके अलावा भी हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी बन सकती है? हाँ जी बिल्कुल बन सकती है। आइए एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ, शायद आप अंडरस्टैंड कर पाए उस समय। ये पिक्चर को ध्यान से देखिए आप। पिक्चर ये, पिक्चर देखो, आज तक हमने सीखा था कि हम अपनी पेमेंट कैसे करते हैं, अपनी लाइबिलिटी 3B से बढ़ाते हैं। अगर हम कंपोजिशन वाले होंगे तो हम कौन सी करेंगे, GSTR 4। अगर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आपने GSTR 10 की बात करी, सॉरी GSTR 4 की बात करी, GSTR 4 किसके लिए होती है, कंपोजिशन कंपोजिशन वालों के लिए होती है ना, आप लोग जानते हैं तो बात, किसके लिए होती है, कंपोजिशन वालों के लिए होती है।
क्या कंपोजिशन वाले के पास भी कैश लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है, लाइबिलिटी रजिस्टर? देखो कंपोजिशन वाले के पास कैश लेजर तो होगा होगा, लाइबिलिटी रजिस्टर भी होगा, लेकिन क्रेडिट लेजर शायद ना हो। क्यों? क्योंकि उसे आईटीसी मिलता ही नहीं है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन तो पूछे तो आपसे कोई, कह देना सर देखो ये तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम बनाता है, वैसे तो बाय लॉ के हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे क्रेडिट मिलता ही नहीं है। क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है आपके ऊपर लाइबिलिटी कैसे बनती है। आप अपनी 3 भी भरोगे आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, अपनी GSTR 4 भरोगे आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी, आपके ऊपर कोई डिमांड अरेज हो जाए तो बन जाएगी, आपके ऊपर कोई लेट फीस आ जाए तो बन जाएगी, और आपके ऊपर लाइबिलिटी बन सकती है TDS से, TCS से। सर TDS क्या होता है? जैसे अभी हमारी नेक्स्ट क्लास सेक्शन 51 की होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर तुमने गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की है और आप वो 4 लोग हो जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करें, तो आपके ऊपर 1% CST 1% SGST कटेगा, मतलब 2% गवर्नमेंट TDS काटेगी। क्या काटेगी? TDS काटेगी, 1% CGST 1% SGST अगर आप लोकल हो, और दिल्ली से बाहर हो तो 2% IGST। हो सकता है इससे मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाए, बन जाए TDS से। हो सकता है मेरी लाइबिलिटी किससे बन सकती है? TCS से बन सकती है। TCS क्या होता है? अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू मतलब ई कॉमर्स के थ्रू अपना माल बेचा, ई कॉमर्स सर कौन? जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे अमेजोन, जैसे पेटीएम, जैसे मिंत्रा और देयर लॉट्स ऑफ पोर्टल, उसके थ्रू माल बेचा, तो उनको एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि वो अपनी लाइबिलिटी काट के किसको जमा करा दें? गवर्नमेंट को 2% TCS जमा करा दें। और अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर भी लाइबिलिटी आएगी, तो भी वो किसमें जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में। और एक होती है RCM की सेक्शन 9 के हिसाब से, अगर तुमने ऐसे लोगों से सर्विस ली जो गवर्नमेंट ने क्या करे थे, नोटिफाई करे थे। क्या करे थे? गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे थे, तब भी तुम्हारे ऊपर क्या बन जाएगी? लाइबिलिटीज। तो याद रखना ये कारण है जिससे तुम्हारी लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे तुम्हारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यही बात कह रहा है यहां पर, अगर आप इस रूल को ध्यान से पढ़ो, द अमाउंट डेबिटेड अंडर सेक्शन 51 और पेमेंट और द अमाउंट कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52 और द अमाउंट पेबल ऑन रिवर चार्ज बेसिस और द अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 10, एनी अमाउंट पेबल टूवर्ड्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट अंडर द एक्ट शैल बी पेड डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन एज पर रूल 87 एंड द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी शैल बी क्रेडिट अकॉर्डिंगली। अब वो कह रहा है कि अगर तुम्हें इनकी पेमेंट करनी है तो तुम कैसे करोगे इनकी पेमेंट। तो उसने सिंपल सी बात कह दी कि अगर मुझे इनकी पेमेंट करनी होगी, मैं GSTR 3B की अगर मेरे पास कोई पेमेंट है तो मैं कैश लेजर से ही कर सकता हूँ, क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकता। मेरी GSTR 4 की कोई पेमेंट है तो मैं कैश लेजर से कर सकता हूँ, क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कोई डिमांड है तो भी मैं किसके ऊपर से कर सकता हूँ? कैश लेजर से कर सकता हूँ। मेरी कोई लेट फीस है तो भी मैं किससे कर सकता हूँ? कैश लेजर से। मेरा कोई TDS TCS है वो भी किससे? कैश लेजर से। और मेरे ऊपर कोई RCM की एंट्री तो भी मैं किससे कर सकता हूँ? कैश लेजर से। इसका मतलब कैश लेजर का स्कोप ज्यादा है किससे? क्रेडिट लेजर से। लेकिन अभी तुम्हें लग रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें ये सेंटेंस चेंज करवा दूंगा और कहूंगा क्रेडिट लेजर अच्छा है कैश लेजर से। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया? तो ये बात याद रखना, अगर तुम्हारी कोई लाइबिलिटी बनती है, अगर तुम्हारी लाइबिलिटी बनती है तो हमेशा डेबिट होगी, उसे कम करने के लिए तुम क्या करोगे? क्रेडिट क्रेडिट। और अगर तुम्हारा कैश लेजर होगा वो पहले पैसा आएगा तो क्रेडिट, पैसा जाएगा तो डेबिट। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपको याद है। आ जाए अब पांचवा पॉइंट आता है, एनी अमाउंट ऑफ डिमांड डेबिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर शैल स्टैंड रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ रिलीफ गिवन बाय द एप्लीकेट अथॉरिटी
टू अपीलेस ट्रिब्यूनल और कोर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर शैल बी क्रेडिट अकॉर्डिंगली। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको क्या दे सकती है, रिलीफ दे सकती है। आपका टैक्स बनता था 1 लाख रुपए, आप गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट मेरी गलती नहीं है, गवर्नमेंट का ठीक है चल तू टैक्स 20,000 रुपए दे दे, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कितना था 10,000, वो तुम्हारे उसको कितना कर देंगे 80,000 रुपए से क्रेडिट करके तुम्हारा बैलेंस कितना कर देंगे 20,000 रुपए। कितना बैलेंस कर देंगे 20,000 रुपए बैलेंस कर देंगे। दूसरा क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज और लाइबल टू बी इम्पोज शैल स्टैंड रिड्यूस पार्टली और फुली एज द केस मे बी इफ टैक्सेबल पर्सन मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी स्पेसिफाई इन बिलो केस नोटिस और डिमांड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी शैल बी क्रेडिट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, वो पार्टली कर सकते हैं और या फुली कर सकते हैं। फुली मतलब 1 लाख माफ कर दे, ठीक है, हो सकता है 80 माफ कर दे और 20 पे आपको क्या करना पड़े, टैक्स देना पड़े। क्लियर है, समझ आ गया? Yes. इसके बाद 7 पॉइंट कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल अपॉन नोटिसिंग एनी डिस्क्रिपेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर कम्युनिकेट टू द सेम टू द प्रॉपर ऑफिसर या फिर नियर बाय ज्यूरिडिक्शन। इसका कहने का मतलब ये कि कई बार तुमने देखा आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, बाद में जाके देख रहा हूं तो वो 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी हो गई। मैंने कहा एक दिन में कैसे लाइबिलिटी बढ़ गई, रात को देखा 1 लाख थी, सुबह उठ के देखा 10 लाख हो गई, मैंने कहा ये क्या बात हुई। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, अभी तुम्हारा लाइबिलिटी रजिस्टर कुछ और था, कभी कुछ और हो जाए, तो आप अपने नियर बाय जो भी डिपार्टमेंट पड़ता है जीएसटी का, आप वहां जाएं, अपने प्रॉपर ऑफिसर से कंसर्न करें और उसके बाद एक फॉर्म भर दें, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 04। कौन सा फॉर्म भर दें, जीएसटी पीएमटी 04 फॉर्म भर दें। क्लियर है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। अब आता है हमारे पास रूल 36, ठीक है, जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कैसे आता है आपको मैंने पहली क्लास से ही बताया है। बैलेंस लाने का इसमें सिंपल तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि आपने सेल करी 10 लाख की, परचेज थी 15 लाख की, आपका टैक्स सेल पे बना 1,80,000 रुपए, परचेज पे बना 2,70,000 रुपए, माइनस करोगे तो रिफंड कितना आ जाएगा 90,000 रुपए। तो आपका क्रेडिट लेजर तभी बढ़ेगा जब आपका क्या हो, आईटीसी ज्यादा हो। अगर आपका आईटीसी कम है तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमेशा खत्म ही हो जाएगा, बैलेंस ही नहीं बचेगा। क्रेडिट लेजर बैलेंस कब आएगा, जो तुम्हारा आईटीसी ज्यादा हो। तो ये बात आपको कहता है, द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन इन अ फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 फॉर सच रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द एक्ट और अंडर द एक्ट ऑन द कॉमन पोर्टल एंड एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द एक्ट शैल बी क्रेडिट टू द सेट लेजर। और वो जो भी बैलेंस होगा किस में डाल दिया जाएगा, उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस कहां से आएगा। तो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिट टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49। तुम्हारा लेजर कब डेबिट होगा, जब तुम्हें किसी टैक्स की क्या करनी हो, पेमेंट करनी हो। क्या करनी हो, किसी टैक्स की पेमेंट करनी हो। दोबारा से बता रहा हूं, आप जब भी तुम्हारा आईटीसी आएगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। लेकिन जब तुम किसी की पेमेंट करोगे वो हमेशा डेबिट होगा, वो हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, आ जाओ तीसरा, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम रिफंड ऑफ एनी यूटिलाइजेशन अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 द अमाउंट टू बी एक्सटेंड ऑफ द क्लेम शैल बी डेबिटेड इन सेट लेजर।
अब क्वेश्चन एक आता है, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं। अब यह है क्रेडिट लेजर। जब क्रेडिट लेजर की पेमेंट करनी होती है, मतलब जब बैलेंस आता है तो किसमें आता है, वो क्रेडिट साइड में। जब बैलेंस को कम करना होता है तो किसमें जाता है, डेबिट। हो सकता है मेरी लाइबिलिटीज थी, मैंने खत्म कर दी, लेकिन फिर भी मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, तो मैं अपने क्रेडिट को कैसे कम कर सकता हूं, क्या मांग के, रिफंड मांग के। सर समझा नहीं। मान लो मेरा यहां पर 10 लाख रुपए का आईटीसी था, मैंने 5 लाख रुपए का यूटिलाइज करके मतलब लाइबिलिटीज को पे कर दिया, लेकिन अभी 5 लाख बचा हुआ है। अब मुझे 5 लाख का क्या करना है, क्लेम करके रखना है, लेना है गवर्नमेंट से, तो मैं क्या कर दूंगा, रिफंड अप्लाई कर दूंगा, तो मेरा खत्म हो जाएगा ना, 5 यहाँ था, 5 यहाँ आ गया, तो बैलेंस कितना बचा, 0। तो मेरा क्रेडिट लेजर कम कैसे हो सकता है, दो कारणों से कम हो सकता है। पहला कारण कि लाइबिलिटी रजिस्टर में बैलेंस को ट्रांसफर कर दूं, और दूसरा मैं क्या कर दूं, रिफंड कर दूं, और तीसरा एनी अदर केस भी हो सकता है। क्लियर है? तो वही बात कह रहा है कि अगर तुम रिफंड अप्लाई करते हो अंडर सेक्शन 54, तो भी हम आपके लेजर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे हम आपके लेजर को, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे आपके लेजर को हम लोग, डेबिट कर देंगे। क्लियर है? बस आप इस बात को ध्यान में रखना, इग्नोर नहीं करना, कोई दिक्कत आ जाओ। लेकिन 4 पॉइंट कहता है, इफ द रिफंड टू फेल्ड एज रिजेक्टेड आइदर फुली और पार्टली, द अमाउंट डेबिटेड अंडर द सब रूल 3 टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन शैल बी रिक्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर मेड इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 03। उसने कहा कि सर जब तुमने हमसे रिफंड मांगा तो हमने आपके बैलेंस को कम कर लिया, मतलब तुमने 5 लाख तुम्हारे पास बचे थे, हमने 5 लाख का रिफंड मांगा, तुम्हारा बैलेंस कितना हो गया, 0। लेकिन हो सकता है कोई कारण आ गया हो दूसरा, हो सकता है तुम्हारा कोई दूसरा कारण हो गया हो जिससे तुम्हारा रिफंड क्या हो गया हो, फेल हो गया हो, कैंसिल हो गया हो, या क्या हो गया हो, रिजेक्ट हो गया, तो फिर हम तुम्हारे लेजर को दोबारा से क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। होता है ना, आप किसी को पेमेंट करते हो, पेमेंट नहीं जाती, तुम्हारे पास बैलेंस दोबारा आ जाता है ना, तो वही रीजन यहां भी है कि तुमने अगर किसी को पेमेंट करी तो वो तो डेबिट हो गई, लेकिन पेमेंट हुई नहीं तो पेमेंट रिटर्न हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। लेकिन ये कई बार होती नहीं है। मैं आपको एक रियल केस बता रहा हूँ, मेरे क्लाइंट का हुआ क्या, मैंने उसका रिफंड अप्लाई करा, जब मैंने उसका रिफंड अप्लाई करा तो मेरे क्रेडिट लेजर से तो बैलेंस चला गया, लेकिन रिफंड पास ऑन नहीं हुआ, या रिफंड हुआ ही नहीं सक्सेस, मेरा बैलेंस भी कम हो गया, तो फिर मैं डिपार्टमेंट गया, वहां से नोटिस करवाया, उसके बाद वो मेरे क्रेडिट लेजर में बैलेंस आया। तो आप प्लीज इसको चेक करते रहिएगा, अगर आपका बैलेंस जाएगा तो डेबिट और वापसी आएगा तो क्रेडिट। क्लियर? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दो ही तरीके से बैलेंस क्रेडिट होता है, पहला या तो मेरे पास परचेज ज्यादा हो, या दूसरा मेरे पास क्या हो गया हो, रिफंड आ गया हो, या दूसरा क्या आ गया हो, रिफंड। और क्रेडिट मेरा लाइबिलिटी रजिस्टर्ड से या फिर मेरा रिफंड से, और हो सकता है कभी फ्यूचर में कोई अदर केस आए तो वो भी हो सकता है, फिलहाल अभी तो दो केस हमारे सामने है। क्लियर है? आ जाओ। अगर वो कहता है 5वें पॉइंट में, सेफ एज अ प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, नो एंट्री शेल बी मेड डायरेक्टली इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या लिखा है, सेव एज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजनल ऑफ द दिस चैप्टर, नो एंट्री शेल बी मेड डायरेक्टली इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कह रहा है कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा कि डायरेक्टली आपकी क्रेडिट लेजर बैलेंस ज्यादा हो जाए, कभी कोई कारण नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि तुम कैश में पेमेंट करो और तुम कहो मेरे क्रेडिट लेजर को बढ़ा दो, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। क्रेडिट लेजर तभी क्रेडिट होगा जब वो दो कारण होंगे, पहला आपकी परचेस का आईटीसी ज्यादा होगा, और दूसरा आपका रिफंड क्या हो गया होगा, रिजेक्ट हो गया। आप किसी दूसरे कारण से अपने क्रेडिट लेजर को नहीं क्रेडिट कर सकते, और अपने क्रेडिट लेजर को दो ही कारण से डेबिट कर सकते हैं, या तो अपने टैक्स की लायबिलिटी कम कर दो, या फिर
या फिर अपना रिफंड अप्लाई कर दो। क्लियर है? आ जाओ छठा पॉइंट कहता है, हुआ क्या, मैं एक दिन बैठा हुआ और मैंने बैठे बैठे देखा अपना क्रेडिट लेजर कि जिसमें 2 लाख रुपए अचानक से शॉर्ट हो गए। मेरे पास 8 लाख रुपए का ITC था, अचानक अब 6 लाख का दिखा रहा है। मैं चौंक गया कि हुआ क्या, मैं चौंक गया ये हुआ क्या कि मेरा 2 लाख रुपए का ITC कहां चला गया। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कभी तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे हिसाब से 8 लाख का ITC था लेकिन अब तुम्हारे पास कम ITC है ज्यादा ITC है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप हमें क्या कर देना, कम्युनिकेट कर देना। क्या लिखा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल अपॉन नोटिसिंग एनी डिस्क्रिपेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कम्युनिकेट द सेम टू द ऑफिसर, ठीक है, नियर बाय जो भी जुडिक्शन पड़ेगा इन मैटर थ्रू द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म GST PMT 04 में। मतलब आप हमें क्या कर देना, एक नोटिस कर देना और आप हमें बता देना सर आपने हमारे कैश लेजर को या क्रेडिट लेजर क्या कर दिया, कम या ज्यादा कर दिया। क्लियर है? तो ये बात है, समझ आ गई। तो अब तक हमने 2 लेजर सीखे जिसमें पहला लेजर कौन सा था हमारा, पहला था इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर अंडर सेक्शन रूल 85, फिर हमने सीखा रूल 86 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और अब हम सीखने जा रहे हैं रूल 87 जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49। सर एक बात बताऊं आप लोगों को, क्या सर, आपने जब सेक्शन 49 स्टार्ट करा था तो पहले में था कैश लेजर और सबसे आखिरी में था सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 में लायबिलिटी रजिस्टर। लेकिन जब आपने लोग को स्टार्ट करा या रूल को आपने पढ़ना शुरू करा तो रूल हमेशा अपोजिट होता है। रूल में पहला रूल किसका था, लायबिलिटी रजिस्टर का था, किसका था, लायबिलिटी रजिस्टर का था। रूल 86 क्रेडिट लेजर का था और रूल 87 कैश लेजर का था, अपोजिट होता है। जब सेक्शन की बात आएगी तो कैश लेजर पहले आया और जब रूल की बात आई या लायबिलिटी की बात आई तो रूल पहले आया। क्लियर? आ जाए रूल 87 जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49 शैल बी मेंटेन इन फॉर्म GST PMT 05। कहां मेंटेन करना है आपको, 5 में मेंटेन करना है, फॉर ईच पर्सन लायबल टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस और एनी अदर अमाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर क्रेडिटिंग द अमाउंट डिपॉजिट एंड डेबिटिंग द पेमेंट देयर फ्रॉम टूवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट। कह रहा है कॉमन सी बात है कि अगर तुम अपने टैक्स की पेमेंट करते हो, मतलब अपने बैंक से गवर्नमेंट को पैसा देते हो, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा, कैश लेजर में जाएगा और वो क्या होगा, सब क्रेडिट होगा। चाहे आप कैश में पेमेंट कर दो, कैश में कितने तक अलाउ थी, 10,000 तक थी, आप NFT कर दो, RTGS कर दो, ठीक है, तो भी आपका सब क्रेडिट होगा और जब तुम पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, पेमेंट, चाहे वो टैक्स की हो, चाहे वो इंटरेस्ट की हो, चाहे वो लेट फीस की हो, ठीक है, या फिर अदर किसी चीज की हो, वो सब क्या होगा आपका, डेबिट होगा। क्लियर है? कॉमन पोर्टल फॉर क्रेडिट। अब आता है सेकंड, टू बात करता है एनी पर्सन और अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ शैल जनरेट अ चालान इन फॉर्म GST PMT 06। ऐसा नहीं है कि मैं ही पेमेंट कर सकता हूं, मेरे बिहाफ पर मेरा अकाउंटेंट, मेरे बिहाफ पर मेरा CA, मेरे बिहाफ पर मेरा कोई भी प्रोफेशनल जो GST का काम करता है वो पेमेंट कर सकता है। तो एनी पर्सन और अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ शैल जनरेट अ चालान इन फॉर्म GST PMT 06 ऑन द कॉमन पोर्टल एंड एंटर द डिटेल ऑफ अमाउंट टू बी डिपॉजिट बाय हिम
टूवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फीस और एनी अदर अमाउंट। जब तुम टैक्स की पेमेंट करोगे ना, तो हमने वहां बॉक्सेस बना रखे हैं, टैक्स का अमाउंट टैक्स में डालना, इंटरेस्ट का अमाउंट इंटरेस्ट में डालना, पेनल्टी का अमाउंट पेनल्टी में डालना और फीस का अमाउंट फीस में डालना। क्लियर है? दूसरा, जब तुम चालान बनाओगे वो चालान 15 दिनों के लिए वैलिड होगा, प्रोवाइडेड दैट द चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 जनरेट एट द कॉमन पोर्टल शैल बी वैलिड फॉर 15 डेज ओनली। कितने दिन के लिए वैलिड होगा? 15 डेज के लिए ओनली वैलिड होगा। तीसरा पॉइंट, द डिपॉजिट अंडर सब रूल 2 शैल बी मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। कह रहा है कि जो पेमेंट करो इन्हीं मोड से करना, कोई दूसरा मोड नहीं। क्या लिखा है? पहला, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज्ड बैंक। आप जो पेमेंट करोगे ना वो ऑथराइज्ड बैंक से, जिसको जीएसटी ने ऑथराइज करा। ऐसा ना हो तुम आके कहो सर मेरा खाता ग्रामीण सरकारी बैंक में, मैं जीएसटी की पेमेंट करना चाहता हूँ। क्या पॉसिबल है? आप कहते हो सर मेरा खाता जिला कोई बैंक है उसके अंदर है। सर मेरा खाता जैन कॉर्पोरेट बैंक के अंदर है। गवर्नमेंट ने कहा हमने इसको क्या नहीं कर रखा है? ऑथराइज नहीं कर रखा, तो आप इसकी पेमेंट नहीं कर सकते। आप उन्हीं बैंक से इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो जिसका आपको पता है। यस बैंक से भी आप पेमेंट नहीं कर सकते, जबकि वो बहुत अच्छा बैंक है। क्लियर है? इसके बाद होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड टू द ऑथराइज बैंक। अगर तुम्हें अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड करना है ना, वो भी क्या होना चाहिए? ऑथराइज बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो ऑथराइज बैंक होना चाहिए। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर आरटीजीएस, जिसे बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फ्रॉम एनी बैंक। आप आरटीजीएस एनएफटी किसी भी बैंक से कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एनएफटी किसी भी बैंक से कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। काउंटर पेमेंट थ्रू द ऑथराइज बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चलान पर टैक्स पीरियड बाय कैश चेक और डिमांड ड्राफ्ट। इसने सिंपल सी बात कह दी कि अगर तुम्हारे पास नेट बैंकिंग नहीं है, तुम्हारे पास कोई डेबिट कार्ड नहीं है, तुम एनएफटी नहीं कर सकते, आरटीजीएस नहीं कर सकते, तो आप लोग अपना पैसा बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, ऐसा नहीं होगा तुमने 5 लाख लिया और गवर्नमेंट बैंक जाके कहा ले 5 लाख और गवर्नमेंट को दे दियो। गवर्नमेंट ने कहा भैया हम 5 लाख नहीं लेंगे, हम 10 लाख तक ले सकते हैं, 10,000 तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं लेंगे। सर मैं तो प्लानिंग कर लूंगा, 10 आज भर दूंगा, 10 कल, 10 परसों, 10 नरसों, ऐसे कर करके भर दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा हम इतने पागल भी नहीं, हमने लिख दिया पर चलान पर टैक्स पीरियड कितने रुपए तक, 10। मतलब अप्रैल का टैक्स है तो उसमें कितने तक हम अलाउ कर सकते हैं? ओनली 10,000 तक। मई का होगा तो 10 कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो आपने अप्रैल की 10 तारीख को 10,000 जमा कर दिए, 11 को 10 कर दिए और तुम चाहते हो कि मैं पेमेंट अप्रैल में सारी यूटिलाइज कर लूं। गवर्नमेंट का इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा करना गलत है। क्लियर है? समझ आ गया? आ जाओ। लेकिन यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड डेट द रिस्ट्रिक्शन फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चलान इन केस ऑफ द ओवर द काउंटर पेमेंट शैल नॉट अप्लाई टू डिपॉजिट टू बी मेड। कह रहा है कि ये तो खाली टैक्स जमा करने की है, लेकिन इसके अलावा कुछ और केसेस होंगे ना, वहां 10,000 रुपए की पेमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर कैसे? अगर तुम्हारे ऊपर, तुम काम कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का बंदा तुम्हारे पास आता है, छापा मार देता है और कहता है कि तुम्हारी लायबिलिटी बनती है 5 लाख रुपए, लाओ टैक्स दो। तुमने कहा सर मेरे तो कोई बैंक ही नहीं, मैं कैसे तुम्हें पेमेंट कर सकता हूँ, और बैंक जाऊंगा तो बैंक वाले कितने ज्यादा पैसे नहीं लेंगे, 10,000 से ज्यादा। गवर्नमेंट ने कहा अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कब है? जब तू जमा करा रहा है, लेकिन तेरे ऊपर अगर लॉ का वायलेशन हुआ है और उसके बाद तुझसे कैश लिया जा रहा है तो तू कर सकता है। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपॉजिट टू बी मेड बाय पर्सन एज मे बी नोटिस्ड बाय द कमिश्नर इन दिस बिहाफ। अगर कमिश्नर से क्या करता है, बोलता है, तो आप कर सकते हैं।
प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन वेदर रजिस्टर और नॉट इंक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू अटैचमेंट और सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी। उसने सिंपल सी बात ये कह दी है। क्या बात कह दी उसने? सिंपल ये बात कही कि अगर तुम रजिस्टर्ड हो या तुम रजिस्टर ना भी हो, हम तुमसे रिकवरी कर लेंगे। ऐसा ना हो मैं अनरजिस्टर्ड, तुमने पास आके कहा कि तुम्हारी 10 लाख रुपए की लायबिलिटी ला दो। मैंने कहा सर मेरे पास तो बैंक ही नहीं है। उसने कहा बैंक जाके जमा करवा दो। मैंने कहा नहीं हो सकता, बैंक वाला लेगा नहीं। उसने कहा ये वाला केस नहीं है कि जिसमें हमने 10 हजार तक, ये वाला केस है कि हम तुमसे पैसा लेना है, हमें तुमसे पैसा लेना है। तो अगर गवर्नमेंट का वायलेशन करने के बाद तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी आती है तो 10 हजार रुपए तक माफ नहीं है, 10 हजार रुपए तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको फिर जितना होगा उतना पे करना पड़ेगा। क्लियर? और तीसरे पॉइंट में लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज फॉर द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट एक्टिविटी ऑफ एनी एट ओसी डिपॉजिट। ठीक है, कोई भी हो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। होता है ना कई बार हमारे पैसे डूब रहे होते हैं, हम सामने वाला कहता है भैया पेटीएम कर दूं, हमने कहा भाई कर दे पैसा तो आ जाए। वैसे गवर्नमेंट ने कहा अगर पैसा डूब रहा है, अगर वो कैश में भी होगा तो भी हम उससे कलेक्ट कर लेंगे, हम उससे कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? आ जाओ अब बात आती है 4 पॉइंट की। क्या लिखा है? एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट थ्रू द कॉमन पोर्टल। कह रहा है कि अगर कोई बंदा रजिस्टर नहीं है, क्या लिखा, एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट थ्रू द कॉमन पोर्टल। अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कॉमन पोर्टल पर जाकर भी क्या कर सकता है, चलान को जनरेट कर सकता है। क्लियर? पांचवा पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, क्या लिखा है, बाय वे ऑफ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, किसकी बात कर रहा है, NEFT और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS मेड फ्रॉम एनी बैंक बाय एनी बैंक द मैंडेट फॉर From form shall be generated along with the challan on the common portal and same shall be submitted to the bank from the where the payment is to be made। ऐसा ना हो तुमने चलान तो बना लिया लेकिन तुम उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये गलत है। आपको चलान सबमिट करने के बाद उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। आप चलान बनाने से कुछ नहीं होता, आपने सोचा कि चल मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूं, चलान बना ले, लेकिन पेमेंट ही नहीं कर दे। गवर्नमेंट ने कहा पेमेंट करने का उसे क्या करना पड़ेगा, बैंक में सबमिट भी करना पड़ेगा, जिससे आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाए। क्लियर है? और जो चलान बनेगा वो कितने दिन के लिए वैलिड होगा, 15 डे के लिए वैलिड होगा। कितने दिन के लिए वैलिड होगा, 15 डे के लिए वैलिड होगा। दूसरा 6 पॉइंट कहता है ऑन सक्सेसफुली क्रेडिट ऑफ द अमाउंट टू बी कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन इन ऑथराइज बैंक अ चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको एक नंबर मिलेगा जिसे बोलेंगे सिन नंबर, जो क्या होगा आपका चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। शैल बी जनरेट बाय द कलेक्टिंग बैंक एंड द सम शैल बी इंडिकेट इन द चलान। क्लियर है? जो बताएगा हमारे पास पैसा आ चुका है। क्लियर है? 7 पॉइंट में आ जाते हैं। ऑन रिसीप्ट ऑफ चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द कलेक्टिंग बैंक द सेट अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द डिपॉजिट हैज बीन मेड एंड द कॉमन पोर्टल शैल मेक अवेलेबल अ रिसीप्ट टू दिस इफेक्ट। कह रहा है कि जब वो पैसा मिलेगा तो पैसा तुम्हारे किस में डाल दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और साथ साथ तुम्हें क्या रिसीप्ट अवेलेबल कराई जाएगी, एक रिसीप्ट भी अवेलेबल कराई जाएगी।
ऐसा नहीं कि तुम्हारे कैश लेजर में पैसा आ गया तुम्हें रिसिप्ट ना मिले, तो तुम्हें रिसिप्ट भी मिलेगी कि तुमने कितना पैसा जमा कराया है। क्लियर है? अब आ जाए 8 पॉइंट में, वही बात बोलेगा जो सब सारे पॉइंट अब तक बोलते आए। क्या बोलते आए? कि अगर आपका लायबिलिटी रजिस्टर या आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई मिसमैच आता है, तो तुम अपने नियर बाय ऑफिस को क्या कर दोगे? कम्युनिकेट करोगे और उसे बताओगे ये क्या गलती हो रही है। क्या लिखा है? वेयर द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन कंसर्न और द पर्सन मेकिंग डिपॉजिट ऑन हिज बिहाफ इज डेबिटिंग बट नो चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेट और जनरेट बट नॉट कम्युनिकेट टू द कॉमन पोर्टल द सेट पर्सन में क्या कर सकता है? यहां एक लिखा है मे, ठीक है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक इनफॉर्म जीएसटी पीएमटी 07 थ्रू द कॉमन पोर्टल टू बैंक और इलेक्ट्रॉनिक गेटवे थ्रू विच डिपॉजिट वाज, ठीक है, मिसमैच। आप कह सकते हैं स्लाइड लिखा था वैसे तो। क्या है सर, आप बताइए हुआ क्या? मैंने किसी चीज की पेमेंट करी कैश में, या मैं पोर्टल पे गया और पोर्टल पे जाने के बाद मुझे पेमेंट करनी थी, मैंने पेमेंट तो कर दी, मेरे बैंक से पैसा कट भी गया, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस गया ही नहीं, बताओ 10,000 रुपए का मैं क्या करूं? गवर्नमेंट ने कहा ऐसा हो सकता है, अगर तुम्हारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसके लिए फॉर्म भर देना, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 07 कहां पर? कॉमन पोर्टल पे। और जब कॉमन पोर्टल पे फॉर्म भरोगे हम देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपका चालान जनरेट हुआ लेकिन पैसा क्यों नहीं आया। क्लियर है? तो कई बार ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने आएगी, तो आप इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। क्लियर? अब पॉइंट आता है 9। क्या लिखा है? एनी अमाउंट डेबिटिंग अंडर सेक्शन 51 सेक्शन 52 और आरसीएम वाली बात कर रहा हूं, एनी रजिस्टर्ड पर्सन डेबिटिंग अंडर सेक्शन 51 और कलेक्टिंग अंडर सेक्शन 52 एंड क्लेम बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम होम द सेट अमाउंट वाज डेबिटिंग और एज द केस मे बी कलेक्टिंग शैल बी क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बहुत अच्छी बात है, ये कंफ्यूजन आपको हमेशा करेगा। आपको पता है अगर गवर्नमेंट मेरा टीटीएस काटती है 2% या मेरा एक टीसीएस काटती है 2%, जब ये पैसा मुझे मिलता है तो बताओ किस लेजर में जाता होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में? आप बताएं किस में जाएगा पैसा? ये कैश लेजर में जाएगा। वेरी गुड, किस में जाता है? कैश लेजर में। क्यों? जब गवर्नमेंट हमारा पैसा काटती है ना, तो हो सकता है हमारे पास इनपुट हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी हम आपका टीडीएस या आपका कोई टीसीएस काटेगा, जो उसका पैसा तुम्हें मिलेगा वापसी, वो तुम्हारे कैश लेजर में जाएगा। और जब तुम्हारे कैश लेजर में आएगा, तुम्हारा कौन सा बैलेंस बढ़ेगा? कैश लेजर। और बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। वो क्या होगा? क्रेडिट। तो यही बात यहां कर रहा है। क्या कर रहा है? एनी अमाउंट डेबिटिंग अंडर सेक्शन 51 और कलेक्टिंग अंडर सेक्शन 52 एंड क्लेम बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम होम द सेट अमाउंट वाज डेबिटिंग और एज द केस मे बी कलेक्टिंग शैल बी क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हम तुम्हारी किसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? और अब आता है हमारे पास डी पॉइंट, बस अब थोड़ा सा रह गया है, ये खत्म होने वाला है। 10, वेयर अ पर्सन हैज क्लेम रिफंड ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर द सेड अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कॉमन सी बात है, अगर तुम्हें अपना रिफंड मांगना है तो तुम्हारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है जब तुम्हारे पास पैसा आता है, और जब तुम रिफंड मांगो तो क्या हो जाएगा? वो डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट होता है ना, तो बात ही कर रहा है। और रिफंड भी किसके अंदर? अंडर सेक्शन होगा, सेक्शन 54 के हिसाब से। 11 की बात कर ले, इफ द रिफंड सो क्लेम इज रिजेक्टेड, अगर वो क्या हो जाता है? रिजेक्टेड, आइदर फुली और पार्टली, द अमाउंट डेबिटेड अंडर सब रूल 10 to the extent of rejection shall be credit to electronic cash ledger
by the proper officer by an order made in form GST PMT 03. कॉमन सी बात है, जब मेरा बैलेंस था तो मैंने रिफंड करा तो डेबिट हो गया, और अगर वो रिफंड रिजेक्ट हो जाएगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अगर नहीं होगा तो आप अपने नियर बाय जुडिक्शन जाएं, वहां कम्युनिकेट करें, उनको अपनी इंफॉर्मेशन दें, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ध्यान रखना, जब तुम रिफंड अप्लाई करोगे तुम्हारा कैश रिजर्व कम हो जाएगा, और वो रिजेक्ट हो गया ना तो कई बार कैश रिजर्व ऑटोमेटिक आ जाता है और कई बार नहीं आता, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसको चेक कर लेना। अब 12 में वही बात बोली, हो सकता है क्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है क्या हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो आप अपने किससे बात कर लेना, एक फॉर्म भरना, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 074, और किसके पास जाना, आपने नियर जुडिक्शन में जाकर कम्युनिकेट कर लेना। क्लियर है, आ जाओ, ये खत्म हो गया। इसके बाद नया आता है, कौन सा, 8 आया है। क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जब भी तुम टैक्स की पेमेंट करोगे, आ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेट एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट और क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज द केस मे बी। कह रहा है जब भी तुम कोई भी या तो डेबिट करो या तो तुम क्रेडिट करो, किसको, कैश लेजर को या तुम क्रेडिट लेजर को, वो हमेशा क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, वो क्या देगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। दूसरा, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी शैल बी इंडिकेट इन द करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। कॉमन सी बात है, अगर तुम्हारी कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट तो पड़ेगा। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट, तो सामने वाला क्या होगा, क्रेडिट, तो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट तो पड़ेगा ना। आ जाओ तीसरा, अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेट एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर फॉर रीजन अदर देन दोस कवर्ड अंडर सब रूल 2। कह रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी उसके अलावा भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। रिपीट कर दो दोबारा, अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेट एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर फॉर रीजन अदर देन दोस कवर्ड अंडर सब रूल 2। उसके जो इस रूल 2 के अलावा है ना, इसके अलावा कोई भी होगा उसके लिए क्या बनेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनेगा। क्या बनेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनेगा। क्लियर है। अब आता है लास्ट 88A, ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये नया है जो कब आया था, 23 अप्रैल 2019 को एक सर्कुलर के बाद। इसमें आपको पता है टैक्स का मेथड बताया गया था कि आप पहले आईजीएसटी को खत्म करेंगे, पहले सेल का आईजीएसटी माइनस परचेज का आईजीएसटी करेंगे, अगर ये रिफंड होगा तो आप सीजीएसटी करेंगे, सेल का सीजीएसटी माइनस रिमेनिंग आईजीएसटी, फिर आप एसजीएसटी निकालेंगे ऐसे ही, मतलब पहले आई को खत्म करना है। और अब गवर्नमेंट ने इस यूटिलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आप किसी भी रेशियो किसी भी पोर्शन में कर सकते हैं। ये नया है क्योंकि यहाँ पर 88A लिखा है, इसका मतलब ये नया आया है, ये क्या हुआ है, अमेंडमेंट के थ्रू आया है। क्लियर है। तो आज हमारे रूल भी खत्म हो गए और हम कल की क्लास में आपके साथ कुछ मिसलेनियस प्रोविजन लेके आएंगे और हम कल अपना पेमेंट ऑफ टैक्स को फिनिश कर लेंगे।